लग रही है, सो वी थॉट कि क्यों ना ऑटो से जाएं। ऑटो नहीं है, अभी हम ऑटो से जा रहे हैं। सो हाय गाइस, हम लोग आ चुके हैं चाना मंदिर। अभी थोड़ी देर पहले पहुँचे हैं, अभी जस्ट माथा टेका हमने। एंड मैं बहुत सालों के बाद मंदिर आई हूँ, टाना माता के मंदिर आई हूँ। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मैं मंडी काफ़ी टाइम बाद आई वैसे तो। चलो अभी थोड़ी देर बस मंदिर में बैठूंगी, उसके बाद हम ऊपर जाएंगे पार्क में, फ़ोटोज़ क्लिक करते हैं, वीडियोज़ बनाते हैं एंड बाकी का ब्लॉग शूट करते हैं। तो अभी हम जा रहे हैं ऊपर पार्क की तरफ। आज की मेरी कैमरा मैन है मानसी कश्यप, ये हमारा शूट करेगी, अच्छी अच्छी फ़ोटोज़ लेगी। बहुत टाइम बाद आया ना, तो नहीं लगता पता यार कहाँ कहाँ जाना है। हम तो एक तो वीडियोज़ और फ़ोटोज़ खींचने में इतने मस्त हो गए हैं कि ध्यान ही नहीं है कुछ कुछ ध्यान ही नहीं है अपन का। ये जाते अंदर हनुमान जी के अंदर, नहीं जाते ना मंडी वालों को तो पता ही नहीं। मैंने बस फोन लेके जाना आपका, बाकी जो मर्जी ले जाना, बंदर जी फोन नहीं लेके जाना। तो हम भाग रहे हैं फोटोशूट के लिए और वीडियो के लिए, क्योंकि पहले बंदर आ गए थे। फटाफट दो चार फोटो क्लिक करके वीडियो बना के रन। अभी जगह माथा टेकने के बाद अब हम लोग पहन रहे हैं शूज और हम जाएंगे ऊपर पार्क में। ओए राम राम राम, हाय। पहली बार इतनी सारी जनता के बीच में मैं व्लॉग बना रही हूँ, मुझे थोड़ा सा यू नो शर्म भी आ रही है, डर भी लग रहा है, पर इट्स ओके यार, धीरे धीरे आदत पड़ेगी। थोड़ी बहुत रील्स शूट करने के बाद और थोड़ी बहुत फ़ोटोज़ क्लिक करने के बाद हम लोग अभी फाइनली फ्री हो चुके हैं। धूप भी बस जाने वाली है, सो मैंने सोचा थोड़ा सा ब्लॉग को कंटिन्यू कर देती हूँ, क्योंकि बहुत देर से कोई शूट ही नहीं किया था ब्लॉग के लिए। अभी हम निकलने वाले हैं थोड़ी देर में, आए हम ऑटो से थे बट जाएंगे पैदल। एंड बहुत तेज़ भूख लगी है, भूख से ज़्यादा हम दोनों को प्यास लगी है, सो सबसे पहले नीचे जाके हम कुछ पियेंगे एंड देन वील ईट समथिंग। और मुझे पता है मैं क्या खाने वाली हूँ, लूची। जब से शिवरात्रि शुरू हुई है ना, मैंने अपने दोस्तों को बोलना शुरू कर दिया था कि भाई मेरी तरफ की लूची ज़रूर खा के आना। सो या मानसी तू क्या खाएगी? जो तू खाएगी। तो मैं मानसी लूची खाएंगे, मन तो सिड्डू खाने का भी कर रहा है, बट लेट्स सी, एक जगह है जहाँ पे बहुत अच्छे सिड्डू मिलते हैं, तो अगर उनकी शॉप भी खुली होगी तो हम वहाँ पर सिड्डू खाएँगे, लूची भी खाएँगे। सो अभी हम बस वापस जाने वाले हैं और आज का दिन समाप्त होता है हमारा, मतलब दिन तो समाप्त नहीं हुआ है, तो हम कुछ खाएंगे जाके। पर अभी हम यहाँ से निकलने वाले हैं, शाम हो चुकी है। बहुत अच्छा लगा आज, मुझे बहुत अच्छा दिन रहा आज का, आज की शाम भी अच्छी रहने वाली है, क्योंकि हम बहुत अच्छा अच्छा खाने वाले हैं, है ना मानसी? चलो
सो वापस जाने से पहले हमने सोचा थोड़ा सा टचअप कर लेते हैं। एंड यहाँ पे मानसी वॉज लाइक, हर चीज़ की वीडियो बनाना ज़रूरी है क्या सृष्टि? सो गाइस हमारा टचअप कंप्लीट हो चुका है और अभी हम यहाँ से रुखसती लेते हैं टाना माता मंदिर से। तो मानसी आर यू रेडी? तो यहाँ पे हम लोग एक रील शूट कर रहे थे जिसके दौरान एक बहुत ही बुरा हादसा हुआ, हमें लगा कि हमारे पीछे बंदर आ गया है, सो हम भागते हुए वापस आए। निकल गया था हमारा तो भाई, गलत हमने टाना मंदिर की सीढ़ियों में ही 6:30 बजा दिया है। और अरे वहाँ देख, कैप्चर हो पाया? ध्यान से आना, नीचे देखो। तो अभी हम लेट इसलिए हो गए क्योंकि हम शूट करते करते आ रहे थे, थोड़े बहुत फोटोज क्लिक करे हमने ऊपर जो मैं पोस्ट करूँगी इंस्टाग्राम पे। सो मंदिर से वापस आते आते हम लोगों को शाम हो गई थी, पर हमने सोचा अब आ ही गए हैं तो मेला देख के वापस जाएंगे घर, इसलिए हम लोग पहुंचे पड्डल ग्राउंड मेला देखने। सो सबसे पहले हमने जाके खाए सिड्डू, क्योंकि हमें जहाँ पे जाके सिड्डू खाने थे वो शॉप बंद हो चुकी थी, सो वी थॉट कि हम यहीं सिड्डू खा लेते हैं। और यहाँ पे बहुत ज़्यादा शोर था इसलिए मेरी आवाज़ क्लियर नहीं आ पा रही थी। मैंने इसके बाद एक टाइम लैप्स भी शूट किया था जो अनफॉर्चुनेटली शूट ही नहीं हो पाया, आई डोंट नो व्हाई। और सिड्डू खाने के बाद हमने सोचा कि थोड़ा सा मेला घूम लेते हैं, तो फटाफट हमने जल्दी में थे इसलिए फटाफट जितना भी हो पाया हमने थोड़ा बहुत कवर किया। सो इसके बाद हमने ज़्यादा मेला नहीं घूमा, हम वापस आ गए इंदिरा मार्केट में बैठ के, हमने आराम से अपने स्वीट कॉर्न्स फिनिश किए। चम्मच उबलता पकड़ा। देखो इन्हें ये हैं ओस की बूंदे पत्तों की गोद में। आप लोगों को मेरा ये ब्लॉग तो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब। वो मेरा पर्स पई गया थाने। पर्स पई गया थाने। अरे देखना संतरे के छिलके कहाँ फेंके इन्होंने। नॉनसेंस। सो गाइस यही था मेरा आज का व्लॉग, मैं अपने व्लॉग को यहीं ख़त्म कर रही हूँ। आई होप आप लोगों को ये वीडियो देखने का मज़ा आया होगा क्योंकि मुझे शूट करने का बहुत ज़्यादा मज़ा आया है। तो डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल। बाय बाय।